हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 14 संसाधनों की देखभाल और संरक्षण के बारे में पढ़ाऊंगी। संसाधन यानी जिस चीज़ को हम प्रयोग में लेते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, वो हमारे लिए संसाधन है। तो उसकी देखभाल और उसकी सुरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। संसाधन पढ़ते हैं, पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले मानव उपयोगी प्राकृतिक पदार्थों को संसाधन कहते हैं। वायु, जल, जमीन, वनस्पति और खनिजों के स्वरूप में हमें प्राप्त प्राकृतिक भेंट अर्थात प्राकृतिक संसाधन। संसाधन राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। वह लोगों की शक्ति और समृद्धि का आधार स्तंभ है। संसाधनों की कुछ निश्चित विशेषताएं और उपयोगिताएं हैं। सामान्य रूप से साधारण संसाधन मर्यादित मात्रा में उपलब्ध है। इन संसाधनों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमें विविध यानी अलग अलग तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। संसाधन के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले मानव उपयोगी यानी मनुष्य के उपयोग करने वाले प्राकृतिक पदार्थों को ही संसाधन कहते हैं। वायु यानी हवा, जल, पानी, जमीन, वनस्पति यानी पेड़ पौधे और खनिजों के रूप में हमें प्राप्त प्राकृतिक भेंट यानी उपहार अर्थात प्राकृतिक संसाधन। संसाधन राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी यानी जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी की वजह से हम खड़े हैं, वैसे ही हमारी राष्ट्रीय अर्थतंत्र भी प्राकृतिक संसाधन के कारण ही चल रही है, मजबूत है। वह लोगों की शक्ति और समृद्धि का आधार स्तंभ है यानी खंभा है। संसाधनों की कुछ निश्चित विशेषताएं यानी खासियत और उपयोगिताएं हैं। साधारण रूप में संसाधन मर्यादित यानी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इन संसाधनों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमें अलग अलग तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। संसाधनों का हम विविध यानी अलग अलग रूप से उपयोग करते हैं। कृषि से लेकर उद्योग और परिवहन की प्रवृत्ति यानी कार्य तक सभी प्रवृत्तियों यानी कार्यों में प्रत्यक्ष यानी जानने में या परोक्ष यानी कुछ अनजाने रूप में हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। भोजन के रूप में जमीन और वनस्पति में से प्राप्त होती विविध सामग्री ईंधन और ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ करें संसाधन का हम अलग अलग रूपों में प्रयोग करते हैं। कृषि यानी खेती से लेकर उद्योग और परिवहन यानी वाहन की प्रवृत्ति तक सभी प्रवृत्तियों यानी कार्यों में प्रत्यक्ष यानी जानबूझकर या परोक्ष यानी कुछ अनजाने रूप में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। भोजन के रूप में जमीन और वनस्पति में से प्राप्त होती अलग अलग सामग्री ईंधन या ऊर्जा यानी शक्ति के रूप में उपयोग हम करते हैं। आगे है संसाधन सामान्यतः दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। संसाधन साधारण रूप में दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक यानी कुदरत के द्वारा दिया गया संसाधन और दूसरा मानव निर्मित यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया संसाधन। भूमि, जल, खनिज और जंगलों का प्राकृतिक संसाधनों में समावेश होता है। इसमें भी दो प्रकार है, जैविक और अजैविक। भूमि, हवा, जल, जमीन अजैविक संसाधन है, जबकि जंगल और प्राणी जैविक संसाधन है। जैविक का मतलब होता है जीव संबंधित। मानव संजित उद्योग, स्मारक, चित्रकला और सामाजिक संस्थाएँ आदि मानव निर्मित संसाधन है। यह मनुष्यों के द्वारा बनाए गए संसाधन हैं। मनुष्य में रहे ज्ञान, बुद्धि, कौशल, स्वास्थ्य और अन्य गुणों का समावेश मानव संसाधन में होता है। प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए मानव संसाधन होना आवश्यक है। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो निश्चित समय में स्वयं निर्मित होते हैं। वृक्ष, पत्ते, पशु, पक्षी आदि में स्वयं उत्पन्न होने की क्षमता यानी शक्ति होती है। इस तरह वन और वन्य जीवन निश्चित समय में निर्मित होते हैं। संसाधनों के प्रकार के बारे में आगे बताया गया कि संसाधन साधारण रूप दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन।
प्राकृतिक संसाधन है, जैसे भूमि, जल, खनिज और जंगलों का प्राकृतिक संसाधनों में नाम आता है। इनमें भी दो प्रकार बनाया गया है, जैविक और अजैविक। भूमि, हवा, जल, जमीन अजैविक संसाधन में आते हैं, जबकि जंगल और प्राणी जैविक संसाधन हैं। जैविक का मतलब होता है जीव संबंधी। मानव सर्जित यानी मनुष्यों द्वारा बनाए गए संसाधन है उद्योग, स्मारक, चित्रकला और सामाजिक संस्थाएं आदि मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हैं। मनुष्य में रहे ज्ञान यानी बुद्धि, कौशल यानी योग्यता, स्वास्थ्य और अन्य गुणों का समावेश मानव संसाधन में होता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रगति के लिए मानव संसाधन होना जरूरी है। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो निश्चित समय में स्वयं यानी अपने आप निर्मित हो जाते हैं, अपने आप उनका उत्पत्ति होता है, जैसे कि वृक्ष, पत्ते, पशु पक्षी आदि। स्वयं उत्पन्न होने की इसमें क्षमता होती, शक्ति होती है। इस तरह वन और वन्य जीवन निश्चित समय में निर्मित होते रहते हैं। आगे पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण, यानी जो हमारे संसाधन हैं जिनको हम उपयोग में लाते हैं उनकी सुरक्षा करने के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन मर्यादित है, यानी वह भी एक सीमित मात्रा में है, जबकि मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं। पिछले कुछ वर्षों से तकनीकी क्षेत्र में आए हुए असाधारण विकास और जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों का उपयोग खूब बढ़ गया है। इस परिस्थिति के संदर्भ में गंभीरता से नहीं विचार करेंगे तो उसके गंभीर परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे। इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। संसाधनों का संरक्षण अर्थात संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग। कुछ संसाधन स्वयं निश्चित समय में अपनी पूर्ति करते हैं अथवा समाप्त नहीं होते, जिन्हें नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि जंगल, सूर्य प्रकाश। एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते या बना नहीं सकते, उन्हें अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस। संसाधनों के सुरक्षा के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है, लेकिन मनुष्यों की ज़रूरतें असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पिछले कुछ सालों से तकनीकी क्षेत्रों में आए हुए असाधारण यानी बेहिसाब प्रगति और जनसंख्या विस्फोट यानी लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या से संसाधनों का उपयोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। परिस्थिति के विषय में गहराई से नहीं विचार किया गया, नहीं सोचा गया तो उसके परिणाम बहुत ही खराब होंगे, जिसका हमें भोग करना पड़ेगा। इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। संसाधनों का सुरक्षा अर्थात संसाधनों का ज्ञानपूर्वक उपयोग करना। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो स्वयं ही निश्चित समय में अपनी पूर्ति कर लेते हैं अथवा वो समाप्त नहीं होते हैं, जिन्हें हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे कि जंगल, सूर्य का प्रकाश। एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते या नहीं बनाया जा सकता, उन्हें अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस। आगे है संसाधन, भूमि संसाधन, जंगल संसाधन, प्राणी वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि संसाधन, खनिज संसाधन। इसके अलावा मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है, एक माध्यम है। खनिजों को मालिकी, पुनः प्राप्त या वितरण क्षेत्र के आधार पर भी वर्गीकृत यानी बंटवारा किया जा सकता है। भूमि संसाधन के बारे में हम पढ़ते हैं, जमीन निर्माण। सामान्य रूप से भू धरातल की ऊपरी परत जिसमें वनस्पति उगती है यानी पेड़ पौधे उगते हैं, उन्हें हम जमीन कहते हैं। जमीन पृथ्वी की पपड़ी के अनेक विध यानी अलग अलग तरह के कणों से बनी एक पतली परत है। चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़ों, कंकड़, मिट्टी के रज कण जो अजैविक है उन्हें रेगोलिथ कहते हैं, जिनमें जैविक द्रव्य हवा और पानी मिलने से जमीन बनती है। कृषि के संदर्भ में भी किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश की जमीन की गुणवत्ता और प्रकार पर निर्भर करता है। भूमि संसाधन में जमीन निर्माण के बारे में यहाँ बताया गया कि
साधारण रूप से भू धरातल की ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं उसे हम जमीन कहते हैं। जमीन पृथ्वी की पपड़ी के अनेक तरह के कणों से बनी एक पतली परत है। चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, कंकड़, मिट्टी के धूल कण जो अजैविक हैं उन्हें रेगोलिथ कहते हैं, जिनमें जैविक द्रव्य हवा और पानी मिलने से जमीन बनती है। कृषि के विषय में किसी भी देश का आर्थिक विकास, उसकी आर्थिक प्रगति उस देश की जमीन की गुणवत्ता यानी खासियत और उस प्रकार पर निर्भर यानी आधारित होता है। आगे है मिट्टी यानी जमीन के प्रकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय कृषि संशोधन परिषद ICAR द्वारा भारतीय जमीन को कुल 8 भागों में बांटा गया है। पहला काप की जमीन, दूसरा लाल जमीन, तीसरा काली जमीन, चौथा लेटराइट जमीन, पांचवा मरुस्थलीय जमीन, छठा पर्वतीय जमीन, सातवां जंगली जमीन, आठवां दलदली यानी कीचड़ वाली जमीन। यहाँ बताया गया कि मिट्टी यानी जमीन के 8 प्रकार हैं जो भारतीय कृषि संशोधन परिषद द्वारा बांटा गया है। यहाँ पे 8 नाम हम लोगों ने पढ़ा। आगे है मिट्टी का कटाव और संरक्षण। मिट्टी का कटाव किस तरह होता है, उसकी सुरक्षा कैसे करना चाहिए। गतिशील पानी या हवा से मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी के ऊपरी कणों का तेजी से प्राकृतिक बलों द्वारा अन्यत्र यानी दूसरे स्थानांतरण यानी दूसरे जगह जाने के कारण मिट्टी का कटाव होता है और उसे मिट्टी का कटाव कहलाता है। ऐसा होने से कृषि की उपज में कमी होती, जिसे रोकना चाहिए। यहाँ मिट्टी के कटाव सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि बहुत तेज गति से पानी बहती या हवा चलती है तो उससे मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी के ऊपरी कणों का तेजी से प्राकृतिक यानी कुदरती शक्ति के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही मिट्टी का कटाव कहलाता है। ऐसा होने से खेती की जो उपज है उसमें कमी आती है, पैदावार में कमी आती है, जिसे हमें रोकना चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय के बारे में हम पढ़ेंगे। बंजर जमीन, बंजर का मतलब होता है जहाँ पे कुछ भी पैदा न हो, कुछ भी उगता न हो, ऐसे जमीन में वृक्षारोपण करना चाहिए। जहाँ ढालू जमीन है वहाँ सीढ़ी नुमा यानी सीढ़ी के आकार का खेत बनाकर कृषि करनी चाहिए यानी खेती करनी चाहिए। चेक डैम बनाने चाहिए। मिट्टी पर चरागाह प्रवृत्ति को नियंत्रण में लेना चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए यहाँ बताया गया है कि बंजर जमीन में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जहाँ ढालू जमीन है यानी ढलान है, ऐसे जमीन में सीढ़ी के आकार के खेत बनाकर उसमें खेती करना चाहिए। चेक डैम बनाने चाहिए। मिट्टी पर चरागार यानी पशुओं को चराने जैसे प्रवृत्ति यानी कार्यों में रोक लेना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे भूमि संरक्षण, भूमि की सुरक्षा के बारे में। भूमि संरक्षण अर्थात मिट्टी के कटाव को रोककर उसकी गुणवत्ता बनाए रखना, नदी की घाटियों और पहाड़ी ढलानों पर वृक्ष लगाना, रेगिस्तान के नज़दीक के क्षेत्रों में बढ़ते पौनों को रोकने के लिए वृक्षों की श्रृंखलाएँ उगाना चाहिए। श्रृंखलाएँ मतलब क्रमबद्ध में अधिक से अधिक वृक्ष उगाना। अनियंत्रित यानी जिस पर नियंत्रण न हो, ऐसे चरागाह यानी पशुओं को चराने पर रोक लगाना चाहिए। उपजाऊपन खो बैठी जमीन में पुनः सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए। इसमें सबको मिलकर सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। भूमि सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि भूमि सुरक्षा संरक्षण अर्थात मिट्टी के कटाव को रोककर उसकी गुणवत्ता उसकी खासियत को बनाए रखना, नदी की घाटी और पहाड़ी ढलानों पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, रेगिस्तान के पास के क्षेत्रों में बहते हवाओं को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षों को एक लाइन में पंक्तिबद्ध में लगाना चाहिए, अनियंत्रित जिसमें नियंत्रण न हो ऐसे चरागाहों को रोकना चाहिए यानी पशुओं को चराने से रोकना चाहिए। जो जमीन अपने उपजाऊपन को खो बैठी है ऐसे जमीन में पुनः यानी फिर से सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए और यह कार्य सभी लोगों को मिलकर सामूहिक रूप से करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन, पृथ्वी पर पीने लायक पानी की मात्र लगभग 3% है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर जल क्षेत्र है। जल प्रकृति से प्राप्त अनमोल भेंट है। जल मानव जीवन के प्राथमिक दैनिक जीवन की प्रवृत्तियों, उद्योगों और कृषि के लिए खूब ही उपयोगी स्रोत है।
जल संसाधनों में महासागर, उपमहासागर, नदी, झील, भूमिगत जल आदि का समावेश होता है। पृथ्वी पर जल संसाधन का मुख्य स्रोत बरसात है। सभी जल स्रोत बरसात के आभारी हैं। भूपृष्ठीय जल स्रोतों में नदी, सरोवर, तालाब, झरने आदि का समावेश होता है, जिनमें मुख्य स्रोत नदी मानी जाती है। जल संसाधन के बारे में यहाँ बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर पीने के योग्य पानी की मात्र लगभग 3% ही पानी है। पृथ्वी के 3 हिस्से पर पानी भरा हुआ है, लेकिन पीने के योग्य सिर्फ 3% पानी हमको प्राप्त होती है। जल यानी पानी प्रकृति से मिलने वाला अनमोल, जिसका कोई मोल न हो, बेशकीमती उपहार है। जल मनुष्य जीवन के प्राथमिक यानी पहले सबसे पहले स्थान पर आने वाले रोज के जीवन के कार्यों की आवश्यकता है। उद्योग और कृषि के लिए खूब ही उपयोगी स्रोत माना गया है पानी। जल संसाधनों में महासागर, उपसागर, नदी, झील, भूमिगत यानी जमीन के नीचे मिलने वाले जल आदि का समावेश होता है। पृथ्वी पर जल संसाधन का मुख्य जरिया बरसात है। सभी जितने भी पृथ्वी पर जल मिलते हैं, जहाँ जहाँ भी, वो सभी जल स्रोत यानी माध्यम बरसात के आभारी हैं। भूपृष्ठीय यानी भूमि पर जल स्रोतों में नदी, सरोवर यानी तालाब, झरने आदि का समावेश होता है, जिनमें मुख्य स्रोत यानी माध्यम जरिया नदी मानी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे है जल संकट, इसके बारे में पढ़ेंगे। जल की जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पानी प्राकृतिक उपहार है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती मांग, व्यापारिक फसलें उगाने, शहरीकरण और उच्च जीवन शैली के परिणाम स्वरूप पानी की मांग निरंतर बढ़ती जाती है। पानी गंदगी की सफाई के लिए भी जरूरी है। वर्तमान समय में हमारे देश के अनेक भागों में जल संकट बढ़ता जा रहा है। पेयजल यानी पीने के पानी की कमी पाई जाती है। वर्तमान समय में भूमिगत जल यानी जमीन के नीचे मिलने वाले जल ट्यूबवेलों द्वारा बाहर निकलने से भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है। आज देश में पानी की घटती उपलब्धता और बढ़ती कमी जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जल के संकट के बारे में यहाँ बताया गया है कि पानी हमें कुदरत के द्वारा मिला उपहार है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज की मांग भी बढ़ती जा रही है। व्यापारिक फसलें उगाने के कारण, शहरीकरण यानी शहरों का विस्तार होने के कारण और उच्च स्तर के जीवन जीने के परिणाम स्वरूप पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। पानी गंदगी की सफाई के लिए भी आवश्यक है। आने वाले समय में, अभी के समय में हमारे देश के अनेक भागों में जल की समस्या बढ़ती जा रही है। पीने के पानी की कमी होती जा रही है। अभी के समय में भूमिगत यानी जमीन के नीचे मिलने वाले जल ट्यूबवेलों के द्वारा बाहर निकलने से जमीन के नीचे का जल भी घटता चला जा रहा है। आज देश में पानी की घटती उपलब्धता यानी समस्या और भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती कमी जैसे गंभीर समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। आगे है जल संसाधनों की सुरक्षा और व्यवस्थापन। जल जो मिल रहे हैं ऐसे संसाधन की सुरक्षा कैसे करें और उसकी व्यवस्था कैसे किया जाए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज उपलब्ध है यानी उपस्थित जल मर्यादित मात्रा में है। प्रदूषित जल की विकट समस्या है, जिससे उसका विवेकपूर्वक उपयोग और उसके संरक्षण यानी सुरक्षा के उपाय करना अनिवार्य यानी आवश्यक बन गया है। जल हमारी सामूहिक संपत्ति है, अर्थात जल किसी एक की नहीं, हमारे सभी की ये संपत्ति है। जल संरक्षण के लिए सामान्य उपाय जैसे कि अधिक जलाशयों का निर्माण करना, भूमिगत जल को ऊपर लाने के लिए प्रयत्न करना, नदियों के पानी को रोककर जल संचय करने की आवश्यकता है। बरसात के जल पानी को रोककर संग्रह करने के उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि बांध बनाना, शोषण कुएँ बनाना, खेत तालाब बनाना आदि कार्य करने चाहिए। इसके अलावा लोक जागृति यानी इसके विषय में लोगों को जानकारी देकर उनको सचेत करके जल संरक्षण में लोग भागीदारी बढ़ाना चाहिए यानी लोगों का सहयोग बढ़ाना चाहिए।
बाग बगीचे शौचालयों में पानी का उपयोग मित व्ययिता यानी ज्ञान पूर्वक जितनी जरूरत उतनी करना चाहिए। जलाशयों नदियों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। भूमिगत जल का उपयोग करने वाली इकाइयों पर ध्यान रखना चाहिए। जल संसाधनों की सुरक्षा और व्यवस्था के बारे में यहाँ बताया गया है कि आज उपलब्ध यानी उपस्थित मौजूद जल एक सीमित मात्रा में है। जल प्रदूषित की बड़ी विकट समस्या है। जल गंदा हो रहा है, वह बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जिससे उसका विवेकपूर्वक यानी ज्ञान के साथ उपयोग और उसकी सुरक्षा का उपाय करना बहुत ही जरूरी हो गया है। जल हमारी किसी एक की संपत्ति नहीं, ये सभी की सामूहिक संपत्ति है। जल के सुरक्षा के लिए सामान्य उपाय जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा तालाबों का निर्माण करवाना चाहिए, जमीन के नीचे के पानी को ऊपर लाने का प्रयास करना चाहिए, नदियों के पानी को रोककर पानी को एकत्रित करने की आवश्यकता है, बरसात के पानी को रोककर एकत्रित करने के उपाय भी हमें करने चाहिए, जैसे कि बांध बनाना चाहिए, शोषण कुएँ बनाना चाहिए, खेत तालाब बनाना चाहिए आदि कार्य करने चाहिए। इसके अलावा इसके विषय में लोगों को ज्ञान देकर, इसके विषय में लोगों को जागृत करके जल सुरक्षा में लोगों का सहयोग बढ़ाना चाहिए। बाग बगीचे शौचालयों में पानी का उपयोग जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार ही करना चाहिए। जलाशय यानी तालाबों नदियों को प्रदूषण से गंदगी से हमें बचाना चाहिए। जमीन के नीचे के पानी का उपयोग करने वाली इकाइयों पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। इसके बारे में वर्षों पहले मनुष्य शिकार करने के लिए पत्थर से बने औजारों का उपयोग करता था। इस प्रकार मनुष्य का खनिज के साथ संबंध खूब ही प्राचीन यानी बहुत ही पुराना और गहरा है। मानव संस्कृति में मानव विकास के युगों के नाम खनिज पर रखे गए हैं, जैसे पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। वर्तमान समय को अयुग कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद खनिजों का महत्व अनेक गुना बढ़ गया है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में खनिज संपत्ति होने से विश्व के देशों के साथ कदम मिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। खनिज संसाधन के बारे में बताया गया है कि वर्षों पहले यानी कई सालों पहले मनुष्य शिकार करने के लिए पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था। इस प्रकार मनुष्य खनिज के साथ संबंध यानी रिश्ता बहुत ही पुराना और गहरा है। मनुष्य संस्कृति में मानव विकास के युगों के नाम से खनिज पर रखे गए थे। उस समय जैसे कि पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। वर्तमान समय को अणु युग कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद खनिजों का महत्व कई गुना बढ़ गया। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में खनिज संपत्ति होने से विश्व के देशों के साथ कदम मिलाने के लिए भारत हमारा आगे बढ़ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे खनिज संरक्षण के बारे में। औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीकी और बढ़ती जनसंख्या की मांग के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग चरम सीमा तक पहुँच गया है, जिससे कुछ खनिजों के समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया है। खनिज संपत्ति का वर्तमान में खूब उपयोग होने लगा है। पेट्रोलियम जैसे खनिज पदार्थ समाप्त होने के स्तर पर आ गए हैं, इसलिए खनिज संसाधनों का मित व्ययितापूर्ण उपयोग करना चाहिए। उनका संरक्षण एक प्रकार की बचत है। समाप्त होने वाले खनिजों का विकल्प खोजना भी जरूरी है। जहाँ तक संभव हो खनिजों का पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया करनी चाहिए। खनिज संरक्षण के बारे में यह बताया गया है कि औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक यानी उद्योगों का विस्तार करने के बाद तकनीकी और बढ़ती जनसंख्या की मांग के कारण प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग अपनी सीमा से बाहर तक पहुँच चुका है, जिससे कुछ खनिज के समाप्त होने का डर भी पैदा हो गया है। खनिज संपत्ति का वर्तमान में खूब उपयोग होने के कारण पेट्रोलियम जैसे खनिज पदार्थ समाप्त होने के स्थान पर पहुंच गया है, इसलिए खनिज संसाधनों का जितनी आवश्यकता उसके अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। उनकी सुरक्षा एक प्रकार की बचत है। समाप्त होने वाले खनिजों का विकल्प यानी दूसरा रास्ता भी ढूंढना आवश्यक है। जहाँ तक हो सके संभव खनिजों का फिर से उपयोग करने की प्रक्रिया करनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे वन और वन्य जीव संसाधन। इसके बारे में पढ़ते हैं।
मानव जीवन का अस्तित्व यानी वजूद और प्रगति विविध संसाधनों का आभारी है, एहसानमंद है। प्रकृति से हम विविध यानी अलग अलग तरह की चीज़ों को प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं अर्थात जरूरतों की पूर्ति करते हैं, जिनमें जंगल अति महत्वपूर्ण संसाधन है। साथ ही वन्य जीवन भी अजीब और वैविध्यपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में भी वनों का खूब महत्व दर्शाया गया है। यहाँ बताया गया कि मानव का जो जीवन है उसका वजूद और प्रगति विविध संसाधनों का एहसानमंद है, उस पर आधारित है। प्रकृति से हम अलग अलग तरह की चीज़ों को प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिनमें जंगल बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन यानी जरिया है हमारे लिए। साथ ही वन में रहने वाले जो जीव हैं अजीव यानी विचित्र और अनेकता से भरे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में भी वनों का बहुत ही महत्व बताया गया है। जंगलों का महत्व इसके बारे में पढ़ते हैं। जंगल हमें अनेक तरह से उपयोगी हैं। जंगलों से प्राप्त होने वाली साग और साल की लकड़ी इमारती लकड़ी के रूप में उपयोगी होती है, जिससे घर का फर्नीचर आदि बनाया जाता है। देवदार और चीड़ की लकड़ी से खेल सामग्री बनती है। बांस से टोकरा टोकरी कागज रेयान आदि बना सकते हैं। जंगल से लाख गोद शहद औषधियाँ आदि हमें मिलती हैं। जंगलों में रहने वाली प्रजा को आजीविका देते हैं। जंगलों के आर्थिक महत्व के साथ पर्यावरणीय महत्व भी विशेष है। जंगल जलवायु को विषम बनने से रोककर नमी बनाए रखते हैं, वर्षा लाने में सहायक हैं, भूमिगत जल को टिकाए रखने में यानी रोककर रखने में सहायक होते हैं तथा मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में सहायक है। जंगल के महत्व के बारे में बताया गया है कि जंगल हमें अनेक तरह से उपयोग में आते हैं। जंगलों से मिलने वाली साग और साल की लकड़ी इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे घर का फर्नीचर आदि बनाया जाता है। देवदार और चीड़ की लकड़ी से खेल के सामग्री यानी चीज वस्तु बनती है। बांस के टोकरे टोकरी कागज रेयान आदि बनाए जाते हैं। जंगल से लाख गोद शहद औषधियाँ यानी दवाइयाँ आदि हमें मिलती हैं। जंगलों में रहने वाली प्रजा को आजीविका यानी अपने जीवन यापन की चीज़ें मिलती हैं। जंगलों के आर्थिक महत्व के साथ पर्यावरणीय महत्व भी खास है। जंगल जलवायु को कठिन बनने से रोककर नमी बनाए रखने में सहायक होती हैं, बरसात लाने में भी ये सहायता करती हैं। भूमिगत यानी जमीन के नीचे के जल को बनाए रखने में भी ये सहायक बनती हैं तथा मिट्टी के कटाव को जंगल रोकते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में जंगल मददगार होते हैं। आगे पढ़ेंगे। भारत में जंगलों की मात्रा अत्यंत कम है। सबसे अधिक जंगल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तथा मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में है। उत्तर पूर्व में पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों की मात्रा 60% से अधिक है। गुजरात में उसके कुल क्षेत्रफल में के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार 11.18% क्षेत्र में जंगल है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग के 33% भाग में जंगल होने चाहिए। भारत में लगभग 23% भूभाग पर जंगल है। आगे बताया गया है जंगल के बारे में कि भारत में जंगलों की मात्रा बहुत ही कम है। सबसे अधिक जंगल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तथा मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों की मात्रा 60% से अधिक है। गुजरात में उसके कुल क्षेत्रफल के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार 11.18% क्षेत्र में जंगल बताया गया है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग पर 33% भाग में जंगल होना चाहिए, जबकि हमारे भारत में लगभग 23% ही भूभाग पर जंगल है। आगे है वन संरक्षण, वन की सुरक्षा कैसे करें इसके बारे में दिया गया है। वर्तमान में जंगल तीव्रता से नष्ट हो रहे हैं। जंगलों की घटती संख्या विश्व की बड़ी समस्या बन गई है।
वनों के घटने के अनेक कारण हैं, जैसे कि मानव की जमीन प्राप्त करने की लालसा, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना, इमारती लकड़ी प्राप्त करना, शहरीकरण आदि के कारण जंगल तीव्रता से कम हो रहे हैं। जंगलों के अंधाधुंध विनाश से पर्यावरण को कुछ गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, जैसे कि प्रदूषण में वृद्धि, बरसात का प्रमाण घटना, अकाल, जमीन का कटाव, निराश्रित यानी जिनका आश्रय छीन गया ऐसे वन पशु और उनकी घटती संख्या, छठा वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक सौंदर्य का नष्ट होना आदि। भारतीय संविधान में वनों, झीलों, नदियों, अन्य प्राणियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और उनमें सुधार करना तथा जीवों के प्रति अनुकंपा दर्शाना यानी दया दिखाना नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है। अनुकंपा का मतलब कृपा भी होता है। वन और वन्य जीवन को कानून द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की गई है, इसमें सजा का भी प्रावधान यानी कानून बनाया गया है। वन संरक्षण के बारे में यहाँ बताया गया है कि अभी के समय में जंगल बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं। जंगलों की घटती संख्या विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। वनों के घटने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि मानव ज़्यादा से ज़्यादा जमीन हासिल करने के लिए जंगलों को काटता जा रहा है, उसकी ये लालच बढ़ती जा रही है। उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करना, इमारत के लिए लकड़ी प्राप्त करना, शहर का अधिक से अधिक विस्तार करने के कारण जंगल कम होते जा रहे हैं। जंगलों के अंधाधुंध यानी बिना रुके अनियंत्रित विनाश से पर्यावरण को कुछ गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, जैसे कि प्रदूषण की बढ़ोतरी हो रही है, बरसात का मात्रा कम हो रहा है, जगह जगह बरसात नहीं हो रही, अकाल पड़ रहे हैं, जमीन का कटाव हो रहा है, जंगल में रहने वाले पशुओं का घर छीना जा रहा है, उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, पूरे विश्व में गर्मी बढ़ती जा रही है, प्रकृति की जो सुंदरता है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। भारतीय संविधान में यानी भारतीय कानून में वनों, झीलों, नदियों, वन में रहने वाले प्राणियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना और उनमें सुधार करना तथा जीवों के प्रति दया दिखाना दिखाया गया है। यह नागरिक का मूलभूत मौलिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। वन और वन में रहने वाले जीवों को कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, इसमें सजा का भी नियम बनाया गया है। आज के लिए इतना ही बच्चों, यह पाठ बहुत बड़ा है, तो आगे का भाग आगे के वीडियो भाग दो में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया उसको आप लोग अच्छे से सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद।